यदि किसी इंसान के इरादे पक्के हों तो वे इंसान पहाड़ी इलाके में भी रहकर मिट्टी से सोना उपजा सकता है और उसी से अपनी एक अलग पहचान भी बना सकता है। और ऐसा ही कुछ करके दिखाया है पंचकुला जिले में पड़ते मोरनी ब्लॉक के किसान टिक्का सिंह ने। किसान टिक्का सिंह जो हिमाचल प्रदेश की वादियों के साथ जुड़े हरियाणा के गांव राजी टिकरी में बसे हैं, जिन्हें पहाड़ी जमीन व वादियां विरासत में मिली हैं। हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, मशरूम के साथ साथ आंवला और हरड़ की खेती करके न केवल अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं बल्कि दूसरे किसानों के लिए एक मिसाल भी बन रहे हैं। टिक्का सिंह का कहना है कि भले ही उनके पास मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले बहुत ही कम जमीन है, लेकिन उस जमीन में उगाई जाती फसलें चंडीगढ़, अंबाला, दिल्ली के अलावा देश की कई बड़ी मंडियों में बिक्री के लिए जाती हैं। मेरा नाम टिक्का सिंह है, गांव का नाम राजी टिकरी है, डाखाना ठंडोग, मोरनी हिल्स, जिला पंचकुला, हरियाणा का रहने वाला हूं। हमारे यहां मेनली जो खेती है वो सब्जियों की खेती में ही ज़्यादा पहाड़ी एरिए में होती है, तो यहाँ पर टमाटर, हल्दी, मिर्च, मसाले, सारे धनिया और हरड़ के पेड़, जिनसे हरड़ पैदा होती है, मुरब्बा वगैरह बनता है। उनका कहना है कि उनके द्वारा उगाई जाने वाली हरड़ देश के अलावा विदेशों में भी जाती है। एक तो मैं यहाँ के किसानों को सबसे ज़्यादा संदेश ये दिया है कि जैसे हरड़ का पेड़ है ग्राफ्टेड, तो ये पेड़ लगाने का हमारे एरिया में लगभग 4-5 हज़ार पेड़ कलमी लग चुके हैं, जो जिन्होंने अपना फल देना शुरू कर दिया है और जिमीदारों को अच्छा वो मिल रहा है। दूसरे हम ऑर्गेनिक खेती की साइड में जाने के इच्छुक हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी खेती है, उसके दाम शायद हमें मार्केट में ज़्यादा मिले। टिक्का सिंह का मानना है कि बागवानी विभाग से समय समय पर मिले सहयोग ने उन्हें खेती संबंधित कई तरह की जानकारियाँ दी, जिससे वो अच्छा मुनाफा कमा सके। बागवानी विभाग जो है वो बहुत प्रयास कर रहा है यहाँ पे काम करने के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन टमाटर का बीज भी देते हैं सब्सिडी रेट पे, और दूसरे बीजों का भी वो देने की वो करते हैं, जैसे कि पैक हाउस मैंने बनाया है, ये भी बागवानी विभाग की ओर से ही बनाया है। ये वाटर टैंक जो ऊपर है, ये भी बागवानी विभाग ने, इसी की वजह से हम ये थोड़े टमाटर, ये आलू और ये लहसुन वगैरह गर्मियों की सब्जियां लगा सके हैं, वरना पहले यहाँ पे ये सब्जियां नहीं लगती थी। नीम पहाड़ी क्षेत्र में रहकर भी बड़ी मंडियों के लिए सब्जियों के साथ साथ आयुर्वेदिक वस्तुओं के उत्पादन से टिक्का सिंह न केवल एक कामयाब किसान के रूप में आगे आए हैं, बल्कि दूसरे किसानों के लिए एक मिसाल भी बन रहे हैं। बागवानी से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान या जानकारी के लिए किसान भाई बागवानी विभाग के टोल फ्री नंबर 1800180 2021 पर कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं।